कराची से खबर शामिल करते हैं, जहां पर यूनाइटेड बिशप काउंसिल ने एहतराम रमजान की तरह मसीहियों के 40 रोजों के दौरान वाइन शॉप्स बंद करने के हवाले से सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। यूनाइटेड बिशप काउंसिल ने उस्मान फारूक एडवोकेट के तवज से सिंध हाई कोर्ट से रजू की। दरख्वास्त में सिंध हुकूमत, डायरेक्टर एक्साइज टैक्सेशन, नारकोटिक्स कंट्रोल और दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौकफ इख्तियार किया गया है कि मसीही बरादरी के 40 रोजे 22 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। जिस तरह एहतराम रमजान में वाइन शॉप्स बंद होती हैं, इसी तरह मसीहियों के 40 रोजों के दौरान भी वाइन शॉप्स बंद रखने का हुक्म दिया जाए। वाइन शॉप्स कितने गैर मुसलमानों को शराब फरोख्त करते उसका रिकॉर्ड मरातब करने का हुक्म दिया जाए।